नमस्कार, मैं एक तांत्रिक हूँ। हाँ, वही तांत्रिक जो भूत पिशाच डाकनी आत्मा पटकनी आत्मा चुड़ैल को अपने वश में करता है। यहाँ पर कमला नाम की एक औरत है जो कि पोजेस्ड है और हमें उसे बचाना है भूतों के चंगुल से। पेशाब करना मना है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। प्रभाकर निवास, पहले गेट खोल के चलते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, इतने घने अंधेरे जंगलों में ये कौन घर बनाता है भाई अपना। लेकिन फिलहाल सामने घर है। और ये क्या भाई, गेट पर आग लगा दिया गया है ताकि जो वो आत्मा है वो बाहर ना पाए। और खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं। फिलहाल हम लोगों को अंदर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये क्या है, एक हैंड पंप है जिसका हैंडल ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेट, व्हाट, यहाँ पे एक पिंजरा है। पता नहीं यहाँ पर क्या होता था घर में। बाकी यहाँ पर बहुत सारे पत्ते और झाड़ी बने हुए हैं जिनको कोई साफ नहीं करता था। बाकी यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि घर का सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया है, चूल्हा ग्लास सभी चीजें। बाकी यहाँ पर एक गैराज टाइप का कुछ है जिसमें हम लोगों को एक लांटेन दिख रही है और रस्सी है सुसाइड के लिए। वो ये क्या है, वेट वेट वेट। ऑल राइट गाइस, तो हम लोगों को एक हैंडल मिल गया हैंडपंप का जिसको हम लोग लगाएंगे तो पानी निकलेगा। ऑल राइट गाइस, तो हम लोगों का हैंडपंप सेट हो गया। बाकी एक बर्तन ढूंढना होगा जिससे हम लोग पानी निकाल के डालें। और सो अंदर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि अंदर हो सकता है कि हम लोगों को जो ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाए। वेल, यहाँ पे तो और कुछ भी नहीं दिख रहा यार, यहाँ पर खाली कचड़ा और। अबे भाई ये क्या था यार, तो फाइनली मुझे ये घड़ा टाइप का है मिल चुका है बर्तन, इससे मैं पानी आग बुझा सकता हूँ। बाकी इस हैंडपंप के पास जाने में आज इतना टाइम क्यों लग रहा है। ऑल राइट, तो हम लोगों ने पानी भरना भी स्टार्ट हो चुका है हमारा। बाकी इस घड़े को ले जाकर हम लोग पानी पर फेंकेंगे तो आग तो बुझ जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। चलो 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 चलो, काम बन रहा है हमारा। इसको एक बार और करके देखते हैं, एक लास्ट और उसके बाद। अबे अबे अबे, ये कैसी आवाज है बे। चलो अपना काम करते हैं भाई, पानी पहले भरना है हम लोगों को। भाई हम लोगों को क्या डर है, हम लोग तो तांत्रिक हैं। बट चलो अंदर चलते हैं घर के अंदर भाई, इस दर बुझ जाना यार। चलो 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 चलो, काम बन गया। फाइनली मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। और ये देखो भाई, एकदम इंडियन स्टाइल घर है, दीवार के रंग उड़े हुए हैं। वेट, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को कमला को ढूंढना है, जो कि जिसके ऊपर चुड़ैल, जिसके ऊपर आत्मा आई है उसे। सो यहाँ देखो भाई, ये एकदम एक सेकंड ब्रो, ये देखो एकदम इंडियन स्टाइल चौका बेलन चूल्हा। ओबे यार, ये क्या गिरा है भाई, क्या क्या देखने को मिल रहा है यार घर के अंदर। बाकी मैं कह रहा था कि देखो एकदम इंडियन स्टाइल घर है हर चीज। वेल, मेरे नानी का घर भी कुछ इसी टाइप का पूरा था। सो मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है खेलने में। ये क्या भाई, ये देखो एक बेसिन है, ये बाल्टी है, और ये देखो कमोड कैसा है भाई, ये चप्पल देखना, कैन आई हाइड फ्रॉम। ऑल राइट, तो हम लोगों को जब वो आएगी तो छुपना पड़ेगा, हनुमान जी हमारी मदद करेंगे। बाकी अभी हम लोगों को उस कमला को ढूंढना है। लेकिन यार ये घर को ज्यादा अंधेरा नहीं है, नहीं लाइट जल रही है बट काफी अंधेरा है। ये हमारा बैकयार्ड होगा जरूर यार, लेकिन बाहर बारिश तो हो नहीं रही थी और अंदर बारिश कैसे होने लगे। अबे भाई यार, क्या हो रहा है आज के दिन, क्या क्या गिर रहा है। बाकी यहाँ एक कुआं दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर क्या है, एक घड़ा है, कचड़े फेंके हुए हैं, बारिश में एक खाट फेंका हुआ है, और यहाँ पे तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है वैसे। बाकी ये देखो टोटली इंडियन स्टाइल का ही लग रहा है। सो ये क्या है यार, एक सिलेंडर फेंका है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं पता क्या है, और यहाँ पर एक और खाट है, इसके अंदर क्या है कुछ भी नहीं है। टेबल है जिस पर लिखा है लॉर्ड राम विल सेव मी, लॉर्ड राम विल सेव मी, और यही चल लिखा है। बाकी ये क्या है, ऑल राइट, तो हम लोगों को ये थाल मिल चुकी है, प्रेयर प्लेट। ओके, ऑब्जेक्टिव है कि इसे हम लोगों को कोर्टयार्ड में जाकर रखना है। कोर्टयार्ड कहाँ होगा अब, यही तो है कोर्टयार्ड, नहीं यार ये नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें हवन वन करते होंगे तभी ना वहाँ जाके रखना होगा। बाकी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर जाना पड़ेगा। हे साहब,
अलग ही नॉइस आ रहा है। बाकी हम लोगों को कोर्टयार्ड ढूंढना है, सबसे हम लोगों का जरूरी टास्क है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कमला, कमला चल रही है, अब हम लोगों के आसपास आ सकती है। ओह पायलों की आवाज आनी स्टार्ट हो गई है। ये कौन सा रूम है? एक पूजा कमरा है। अबे भगवान ही नहीं है इसमें तो। भाई कमला का आवाज आ रहा है आसपास में। अरे बास्केट, एक दिया बुझ गया हमारा, एक जिंदगी खत्म। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव अपानान नित्य मोक्षिया। गिर जा भाई। अबे ये क्या हो रहा है? अबे खुल, अबे भाई भागो 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 भागो, कहाँ छुपूं? अरे रास्ता ही नहीं इधर तो। गया मैं, गया मैं, गया वो भाई। यार दूसरा लाइफ भी हम लोगों का चला जा चुका है, अब हमारा लास्ट चांस है, आर नहीं तो पार। चलो चले, आई एम रेडी। फिलहाल यहाँ पर एक सिलाई मशीन है, इस गेट को खोलो यार। अदर साइड से लॉक है, बाकी हम लोगों को उसे खोलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये छाते से खोल के देखते हैं, शायद खुल जाएगा हमारा। खुल जा भाई, खुल जा, खुल जा, खुल जा। ऑल राइट, सो हम लोगों का गेट खुल चुका है। और इधर क्या होगा? एक टेबल है, एक गेट है, गेट के अंदर पता नहीं क्या है, एक टूटा झूला दिख रहा है मुझे। अरे अबे, अरे 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 आ रही है वो। भाई क्या क्या गिर रहा है हमसे। आ गई, शांत रहो भाई। आ रही है वो, आ रही है। कहाँ है वो? कहीं तो है भाई। इट वॉज स्टार्टिंग एट, एक सेकेंड हटवाया, इसमें काम का नहीं है। बाकी एक अगरबत्ती मिला है मुझे, और अब हम लोगों को एक इस अगरबत्ती को यहाँ पर जाकर रखना होगा शायद। इससे क्या करना है मुझे यार? अभी कोई टास्क पूरा नहीं हुआ, लास्ट डे है। ये अगरबत्ती से मैं क्या करूँ? इसको ले जाकर क्या करना है? मैं इसको अंदर लेके चलता हूँ और देखता हूँ क्या होने वाला है यहाँ पर। बे यार जल्दी हो। बाकी एक और वॉशरूम आ गया, जिसमें मुझे एक डॉल मिला है, एक कमोड है, एक घड़ा है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। बाकी कहीं से तो पायलों की आवाज़ आ रही है मेरे को। अरे 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 अरे, अबे भैंस की टांग, मैं वापस यहाँ पर क्यों आया? ए यार इसकी, ये क्या हो रहा है भाई? वे भाई साहब ये क्या हो रहा है? वेल वीडियो जरा भी अच्छी लगी होगी तो यार लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में, वो भी रात की 12 बजे, बहुत मेहनत लगती है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दे। चलो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।